माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस अभी बजने वाले हैं 9। क्या क्या अच्छा यार टाइम अंदर रख दे धीरे से। सो गाइस अभी बजने वाले हैं 9 और मैं जा रहा हूँ मिसेज को छोड़ने और फिर सोच रहा हूँ वहीं से वहीं बाइक की सर्विस भी करा लाऊँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए बाइक की सर्विस नहीं कराई है और भाई गंदी भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना तो आज धो भी जाएगी एकदम चकाचक हो जाएगी बिल्कुल मिट्टी में बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो फटाफट पहले मिसेज के ऑफिस पहुँचते हैं और फिर वहाँ छोड़ के ड्रॉप करके मिसेज को फिर भैया की दुकान पर पहुँचते हैं। रख दिया आटा चलो फिर आ जाओ। तो हम निकल रहे हैं गाइस। भाई भैया की दुकान पे मैं पहुँच गया हूँ लेकिन उन्होंने अभी तक दुकान अपनी खोली ही नहीं है बंद है। अब कॉल करके भैया को पूछते हैं कितनी देर में आ रहे हैं। तो भाई भैया से भी बात हुई है भैया कह रहे हैं आ रहा हूँ मैं भी गली में हूँ जब तक भैया का वेट करते हैं वो आ रहे हैं। तो भाई भैया आ गए हैं फाइनली। मैं जब से इधर देख रहा हूँ आपको मैं इस गली में से आओगे उधर से मैं वो तो रुक गया था बाइक। ये तो उसकी है रविंद्र वाली बाइक। क्या हो गया बेच रहे हो क्या? बेच नहीं हो गया पड़ा है हैदराबाद यहाँ से। किस लिए? काम हम करने गया हुआ। तो भाई भैया की दुकान खुल गई है अब सारा सामान ये सेट करेंगे। सारा सामान सेट करने के बाद फिर अपना शुरू करेंगे बाइक की सर्विस करने। हंस रहे हैं करो। तो भाई अभी हमारी बाइक जा रही है धुलाई के लिए। बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी यार मतलब बारिश आने के बाद तो मैंने तो धोई ही नहीं है। फिर एक जगह भी तो इतनी अच्छी है ना हमारी जहाँ हम रहते हैं वहाँ धो तो जल्दी गंदी हो जाती है। मैंने सोचा अब सर्विस पे ही धुलवाई करवाएंगे। तो अब भाई लेके जा रहे हैं धुलाई के लिए। तो भाई हमारी बाइक साफ होके आ गई है चमक रही है एकदम चकाचक देखो नहीं लग रही है। और भाई ने कर दिया सर्विस शुरू। आप कर रहे सबसे पहले फिल्टर साफ कर रहे भाई। फिल्टर साफ हो रहा भाई अभी। और इसका क्या बोलते हैं एक हैंडल थोड़ा सीधा कर देना भैया। और ये पायदान है ना ये आगे वाला उस साइड का टूट गया दूसरे साइड का वो डाल देना। यार बाइक भी हमारी बस लास्ट साल बचा है भाई। अभी भैया कवर खोल रहे ढक्कन फिल्टर का अभी सीख रहे हैं भाई वैसे। इंजन विंजन सारा कर ले तो भाई नहीं कोई ना भाई के पास सीख जाओ। ये भाई फिल्टर बाइक का फिल्टर। तो भाई अब भाई ने खोला है ऑयल का नट दिख ही नहीं रहा यार कहाँ जाके है वो ये रहा इधर से दिख रहा ये रहा। देखते हैं ऑयल कितना निकला है। बता देना भाई पर इसमें तो पता ही नहीं चलेगा ये खाली था डिब्बा। बता देना पूरा निकला पूरा तो शायद थोड़ा कम हो सकता है। तो भाई ये वाला ऑयल डलेगा आज। पहले शायद भैया स्पीड का डालते थे लेकिन कह रहे ये भी अच्छा है स्टील ऑन का। तो अभी निकल गया ऑयल भाई जल गया था बिल्कुल सही टाइम पर सर्विस करवा दी मैंने काला हो गया बिल्कुल। तो भाई अब हम जा रहे हैं ऑयल डालने थोड़ी ज़्यादा इस साइड है खुले में होती ना जब ज़्यादा अच्छा लगता। इधर ये पिलर आ गया फिर भाई इधर बैठ के अब डालेंगे। ले ओ भाई ये खोल दिया भाई ने इंजन का दिल खोल दिया राइट हो रहा है टाइट है कई दिन हो गए ना खुले हुए। आप खुल जाएगा आप खुल जाएगा। कितना होना चाहिए भैया इसमें ऑयल 700-800 ग्राम कितना 900 ग्राम। खोल दिया ढक्कन सील पैक करना चाहिए क्या होना चाहिए ये पैक होना चाहिए। अच्छा ये भाई भैया बोल रहे हैं सील पैक होना चाहिए जब यही मतलब ये होगा कि हाँ नया है। ये लो भाई इंजन ऑयल डल रहा है देख रहे हो भाई बिल्कुल अभी कैसा है बिल्कुल ऐसा मतलब चमकीला चमकीला हरा हरा भी दिख रहा है पीला पीला भी दिख रहा है
और जलने के बाद भी बिल्कुल काला हो गया था ये। डल गया सारा ये। आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। भैया बोल रहे हैं आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, अभी आगे और मजा आने वाला है इसे। भैया भी सही मजे ले रहे हैं भाई। भाई भी मिनी व्लॉग बनाते हैं और राजेंद्र भैया ना, और राजेंद्र भैया बैठे हैं आगे, ये राजेंद्र भैया बैठे हैं, तो ये साले हैं राजेंद्र भैया के। मैं काफ़ी टाइम से यहीं सर्विस करा रहा हूँ, काफ़ी टाइम बोले तो कितने भैया हो गए होंगे अपने को, सात आठ साल तो हो गए है ना, 7-8 साल से मैं भैया के पास ही सर्विस करा रहा हूँ भाई। कोई मतलब शिकायत का मौका ही नहीं देते, जायज पैसे लेते हैं बिल्कुल हर चीज़, और काम एकदम बढ़िया करके देते हैं। ले भाई भाई अब हमारा प्लग साफ हो रहा है बाइक का। एवरेज और बता देना भाई क्या एवरेज दे रही है। अब भैया कह रहे हैं एवरेज अच्छी दे रही है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि बना दो वीडियो। हाँ क्या अब पता नहीं, बोल ही नहीं रही, वैसे ऐसे कह रही है भैया बोल ही नहीं रही कुछ आगे। लगाओ भाई जोर लगा भाई, पाना ले लो भाई, इससे नहीं जोर लगेगा, जो पाना देता हूँ इससे खुलेगा भाई, लो इससे लगाओ है? नहीं उसमें अंदर डाल के ऐसे नहीं निकालना है, बाहर निकालना, मैं बताता हूँ, वो निकालो ऐसे, छोड़ना छोड़ना को वही लगेगी ये वाला ना, खुलता यार भैया तो इसी से ही खोलते हैं, नहीं इससे खोलते हैं। ये क्या नंबर का है, ये 17 है ना, 17-16 इससे देख ले लो, इससे देखते हैं 16 देख रहे ना, ले लो भाई थोड़ा बहुत मुझे भी आता है, अलग अलग तो खोल लेता हूँ मैं भी भाई। कड़ी मेहनत करने के बाद भाई ने खोल ही दिया प्लग आखिर है। ये देखो भाई प्लग सफ़ेद है, वैसे तो थोड़ा साफ करके फिर लगा देंगे। राजेंद्र भैया कहाँ गए, एवरेज चेक कर लेता है भाई, एवरेज चेक नहीं कर पाता। राजेंद्र भैया को दिखाएंगे अभी आ रहे हैं वो भाई। ब्लैक थार एक ये खड़ी एक हो जा रही है। अंकल क्या बेच रहे, क्या बेच रहे अंकल? अच्छा तेल खरीद रहे, मैंने कहा पता नहीं इतनी कट्टी वट्टी सी टांग रखी है कुछ बेचना है यो सेहत पे। अंकल बहुत दिन बाद आए हैं, तेल लेना आए अंकल, पूछ लो भैया से है कि नहीं। भैया की अंकल की स्कूटी बिक की देख रहे हो, इधर कैन बीच में कैन पीछे भी, फिर इधर भी कैन रख रखी है एकदम पैक पैक रखी है। अब हम तो शेयर करते ही हैं। ले भाई पलक की सफाई कर रहे हैं भैया। ओ भाई मेरे को 500 रुपये मिले हैं भाई, गाइस 500 का नोट मिला, अरे नकली है तो। नकली नोट बता दिया, कह रहा भाई 500 का पड़ा दे नकली नोट, मजे ले रहा भाई भी हमारे साथ। तो भाई भाभी ने सारे में पानी पानी कर दिया, तो भाई प्लग साफ हो गया, भाई प्लग लगा रहे हैं। और गाइज वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, और जो भी चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भाई बाइक का आधा काम तो हो गया है, अब चैन टाइट रह गई है, और एक ये फुट रैप डालना है और हैंडल सीधा करना है, और हाँ एक ये पीछे की लाइट जो ब्रेक लगाने पे जलती है ना, ये मेरे को आज पता चला ये टूटा हुआ था इसलिए लाइट नहीं जल रही थी, तो ये भी डलवा लेंगे भैया से अभी। तो भाई भाई ने सारी बाइक में ऑयलिंग वगैरह तो कर दी है, और ये कवर भी लगा दिया, अभी क्या करेगा भैया इसमें? अभी बस पॉलिश वॉलिश लगेगी। नहीं एक दो काम और बताए मैंने भाई, भैया की तो कुर्सी भी देखना ऐसी है यार, डर और लग रहा है इस पे बैठने पे, बदनामी नहीं करा रहे मतलब, मुझे डर लग रहा है ना, बदनामी थोड़ी करा रहे आपकी।
मैंने बता दिया भैया, कह रहे भैया बताओ हमारी बदनामी करवा रहे, बदनामी नहीं करवा रहे, तुम तो कुर्सी तक बता रहे हो टूटी हुई है ना, टूट गई वो, मैंने नहीं बोला टूटी हुई है, मैंने बोला टूट गई है। भैया वैसे एक दो दिन से परेशान है, इनके बंदे नहीं आ रहे, देखना कितनी बाइकें खड़ी है, वो 1 2 3 4 5 6 मेरी, 7 8 9 मतलब काफ़ी बाइकें हैं, लेकिन भैया के वर्कर जो हैं वो गोली पे रहते हैं, भैया गोली दे जाते हैं, किसी की खाला की शादी है, किसी की शादी है, भैया परेशान है यार। भैया को कोई एक दो अच्छे से वर्कर दो जो बढ़िया प्रॉपर अच्छा काम जानते हो, ठीक है भैया, मैंने अपने ब्लॉग में बता दिया है, तो गाइस कमेंट करके जल्दी से बता देना भाई, किसी को काम सीखना भी है और किसी को काम अच्छे से आता है तो भैया की शॉप पे आके कर लेना, बहुत ही अच्छे है भैया, ना किसी को डांट फटकार लगाते है ना भैया, मैं आ जाऊंगा आपकी दुकान पे, फिर आपका टाइम थोड़ा वैसा है, सुबह 10 बजे तो आना लेकिन रात को 9 बजे जाना भाई, छुट्टी एक भी नहीं है महीने में, एक है ये, महीने का लास्ट में छुट्टी है, हफ्ते में एक तो दो यार। हाँ भैया हो गया, थोड़ी देर सुस्ता लो, रेस्ट कर लो। देखो अंकल जी कह रहे बेटा मैं अपनी स्कूटी खोल दूंगा, बस तुम कर दो, क्योंकि कल अंकल के बेटे को भी कहीं जाना है। भाई अपनी बाइक फाइनली सर्विस हो चुकी है, और ये देखो चमक रही है ना एकदम चकाचक, तो भैया जिन भी ऐसे हमने सर्विस करवाई है उनका नाम है राजेंद्र कुमार जी, और अपनी शॉप का एड्रेस दे दो, 2DK 163, थोड़ा तेज मुंह खोल के बोलो ना, 2DK 163 यार, 2D163, और ये अपना इंडिया कॉलेज वाली गली में है भाई, मैं तो भैया से ही करवाता हूँ, 8 साल से सर्विस करवा रहा हूँ भाई, कोई कमी नहीं रहती मेरी बाइक में, बाकी का मुझे पता नहीं है, और ये देख लो भाई भी बुलेट की करवा रहे हैं, बिल्कुल नई करवाई है भाई ने तो, पूरी टंकी वंकी सब कुछ पेंट करवा के। ओ क्या रिव्यू रहता भैया का आपका, तो गए इसी के साथ अब हम चलते हैं घर, 9 बजे आया था यार, 1 बजे फ्री करा है, ये थोड़ा टाइम तो लेते हैं, बाकी अब जा रहा हूँ फटाफट मैं घर, ओके भैया थैंक यू। तो भाई मैं अभी पहुँचा हूँ घर, और हाथ पैर धो के अपना खा रहे हैं खाना, तो आज बना हमारे घर राजमा, और ये कल रात वाली सब्जी है। सो गाइज अपन ने दोपहर का लंच कर लिया है, और इसी के साथ आज का ब्लॉग हम कर रहे हैं पे एंड, क्योंकि आज हम बाइक की सर्विस कराने गए थे तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, बाकी शाम का भी डालूंगा तो इसलिए अब अपना ब्लॉग कहीं पे एंड कर रहा हूँ, और आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आए, तो ब्लॉग को लाइक करें, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स, ओके बाय, मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में।